नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो अपने चैनल पर जो अपलोड की थी उसमें मैंने अपने व्यूअर यानी कि जो पीएफ मेंबर है उनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने उन क्वेश्चन को कवर किया था और ये आपको बताया था कि उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है और वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों आती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे पीएफ मेंबर थे जिनको ये कन्फ्यूज़न थी कि जब वो अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करते हैं तो उनका जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर है वो तो पूरा उनको क्रेडिट हो जाता है जितना उनको उनके पीएफ पासबुक में शो करता है, लेकिन उनके पीएफ पासबुक में जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे ज़्यादा शो करता है, लेकिन वो जब अप्लाई करते हैं तो उनको जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है अमाउंट वो काफ़ी कम होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी थी जिसकी वजह से मुझे कई कमेंट कई मैसेज आ रहे थे जिसके लिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी जो कि मैंने कल पब्लिश करी थी अपने चैनल पे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाके जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि ऐसा क्यों होता है। साथ के साथ मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि कई ऐसे पीएफ मेंबर है जिनको इस बात को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि जब भी वो अपने पीएफ को एडवांस में अप्लाई करते हैं तो एडवांस में जितना पीएफ का अमाउंट उनको आना चाहिए था वो उतना नहीं आता है, उससे कम आता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, तो प्लीज वीडियो को जरूर जाके देखिए। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम क्यों आता है या ज़्यादा क्यों आता है उससे रिलेटेड कोई भी मैंने आपको प्रूफ नहीं दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रूफ देने वाला हूं और मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं कि आपका जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है जो कि आपको आपके पासबुक में शो करता है और जो आपको पीएफ अप्लाई करने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उन दोनों अमाउंट में मिसमैच क्यों होता है, यानी कि वो जो अमाउंट है वो दोनों अलग अलग क्यों होते हैं, यानी कि जो इतना एक्सपेक्ट करते हैं पीएफ मेंबर उतना वहां पे पीएफ अमाउंट क्यों नहीं आता है, सॉरी माफी चाहूंगा, जो पेंशन अमाउंट है वो क्यों नहीं आता है, उसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो क्यों होती है। तो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया था पिछली वीडियो में और आज मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल भी करके दिखाने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है और साथ के साथ मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप इस स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहां पे एक पासबुक ओपन करी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति का ये पासबुक है उन्होंने अपना पीएफ जो है फुल एंड फाइनल अप्लाई करके विड्रॉ कर लिया है, उनका जो क्लेम है वो भी सेटल्ड हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहती है हमारे एम्प्लॉय के मन में जब वो अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करते हैं। जब भी वो अपने फुल एंड फाइनल पीएफ को अप्लाई करते हैं उससे पहले जो उनका अमाउंट का एक्सपेक्टेशन होता है उससे अलग अमाउंट उनको क्रेडिट होता है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं पेंशन कंट्रीब्यूशन को लेके, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर है वो तो उनको वही मिलता है जो कि उनको पासबुक में शो करता है, लेकिन जो इनका पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनको वो नहीं मिलता है जो कि उनको पासबुक में शो कर रहा होता है। इसके रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी उसको ऐड किया हुआ है, तो उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि पेंशन की कंट्रीब्यूशन कैसे की जाती है जब आप अपने पीएफ को ऑनलाइन विड्रॉ करते हैं और वही कैलकुलेशन मैं आज आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं नॉर्मली एक ऐसे एम्प्लॉय से पूछूं कि इस पासबुक को देख के बताइए कि जब आप अपने पीएफ को अप्लाई करेंगे तो आपको कितना पीएफ का अमाउंट है वो मिलेगा, तो सिंपली क्या करेंगे यहां पे वो डिपॉजिट वाले सेक्शन में देखेंगे कि यहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो टोटल कितना है, वो यहां नीचे ग्रैंड टोटल में दिया होता है। ये देखिए एम्प्लॉय शेयर के नीचे यहां पे टोटल उनका एम्प्लॉय का शेयर होता है और यहां डिपॉजिट वाले सेक्शन में एम्प्लॉय शेयर के नीचे लास्ट में यहां पे पूरा इनका एम्प्लॉय शेयर होता है। तो सिंपली वो क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर जो है वो 9718 है, ये देखिए 9718 और इसको मैं प्लस कर देता हूं यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर से जो कि है 2973, यहाँ पे 2973 यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूं। प्लस करने के बाद ये मेरे पास अमाउंट आ गया है
12691। ये तो है हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर, जिसके लिए हम फॉर्म 19 फिल करते हैं, और फॉर्म 19 को फिल करने के बाद हमें जो अमाउंट रिसीव होती है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर ही रिसीव होता है, जो कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट आपको करके दिखाया है। अब जो एम्प्लॉय है वो इसके साथ यहाँ पे जो आपको पेंशन कर का जो कंट्रीब्यूशन दिखता है आपके पासबुक में, इसको भी ऐड करते हैं। तो ये देखिए पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें अगर लास्ट में टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 5547 है। तो यहाँ पे अगर मैं पेंशन के कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे ऐड कर दूं, ये देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं 5547। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने उसको ऐड किया तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट मेरा बन रहा है 18238 बन रहा है। लेकिन मैं अब आपको एक चीज दिखाने वाला हूं कि यहां पे जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो आपको जो यहां पे शो कर रहा है आपके पासबुक में, वो आपको मिसमैच यहां पे शो करेगा जब आप अपने पीएफ को अप्लाई करेंगे फुल एंड फाइनल। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के शेयर को विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 19 फिल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप पेंशन कंट्रीब्यूशन भी निकालना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो जॉब है वो 9 साल 6 महीने से कम है, तो इसके लिए फॉर्म 10 सी फिल करना पड़ता है, तब जाके आपको ये अमाउंट मिल जाता है। तो ये देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे फॉर्म नंबर 19 जब अप्लाई किया गया था तो यहां पे ये देखिए क्लेम अगेंस्ट पारा 69-2, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विड्रॉ वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये जो अमाउंट है एम्प्लॉय शेयर और यहां पे एम्प्लॉय शेयर, और यहाँ पे आप डिपॉजिट वाले सेक्शन में अगर नीचे देखेंगे तो वही अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 9718, यही अमाउंट यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर में यहाँ पे विड्रॉ हुआ है 9718, और यही अमाउंट यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर में दिया हुआ है 2973, और यही यहाँ पे विड्रॉ हुआ है फॉर्म 19 जब हमने फिल किया था तो 2973। तो ये सेम अमाउंट हमें रिसीव हुआ है फॉर्म नंबर 19 को लेके। मैं पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9718 प्लस 2973। तो ये देखिए यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 12691 यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए मैं आपको क्लेम में लेके चलता हूं, वहां पे फॉर्म नंबर 19 फिल करके जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको क्लेम चेक करने के लिए आपको इसी वाले पासबुक वाले पोर्टल में आपको यहाँ पे व्यू पासबुक का जो ऑप्शन मिल रहा है, इससे आपको पासबुक यहाँ पे शो होता है, और साथ में आपको डाउनलोड पासबुक का ऑप्शन मिल रहा है जिससे आप अपने पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में आपको व्यू क्लेम स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पे क्लिक करके आप अपने सभी क्लेम को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो व्यू क्लेम स्टेटस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी क्लेम किए हैं मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो ताकि आपको सारे क्लेम यहाँ पे दिख जाए। यहाँ पे टोटल 2 क्लेम किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, एक फॉर्म नंबर 19 फिल किया गया था जिसमें आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर आता है। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां कैलकुलेटर में मैंने काउंट किया हुआ है 12691, तो यही आपको यहां पे देखेंगे यहां पे सेटल्ड हुआ है 12691, तो सेम यही अमाउंट यहां पे आपको सेटल्ड हुआ है फॉर्म नंबर 19 फिल करने के बाद, जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर होता है। लेकिन आपको वहां पे पेंशन का जो अमाउंट है वो कितना शो हो रहा था, तो चलिए मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं पासबुक। पासबुक चेक करने के लिए व्यू पासबुक पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पासबुक में आ जाएंगे। पासबुक में आने के बाद यहां पे पेंशन कंट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में अगर आप लास्ट में ग्रैंड टोटल में देखेंगे तो यहां पे है 5547। चलिए अब मैं आपको क्लेम स्टेटस दिखाता हूं, जिसके लिए हम पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए हम फॉर्म नंबर 10 से फिल करते हैं। तो यहां पे क्लेम स्टेटस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए तो यहां पे सेकंड क्लेम यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्लेम आपका यहां पे क्लेम फॉर्म टाइप में आपका 10 सी है, जो कि पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए होता है, और यहां पे जो अमाउंट देखेंगे वो आपको यहां पे ज्यादा शो करेगा 9588, जबकि वहां पे आपको जो अमाउंट शो कर रहा था वो अमाउंट शो कर रहा था पेंशन कंट्रीब्यूशन में 5547। चलिए मैं कैलकुलेटर में लिख लेता हूं ताकि आपको वहां पे मैं दिखा सकूं। ये देखिए 5547, ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5547 रुपए यहां पे पासबुक में आपको शो कर रहा है, लेकिन जब आपने यहां पे व्यू क्लेम में जाके देखा
कि आपने जब फॉर्म 10C यहां पे फिल किया तो यहां पे जो क्लेम आपका सेटल हुआ है 9588 यानी कि 9588 रुपए का क्लेम सेटल हुआ है, जबकि आपके पासबुक में सिर्फ 5547 रुपए ही शो कर रहा था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई लोगों को पासबुक में ये जो अमाउंट है वो ज्यादा शो करता है, लेकिन जब वो सेटल्ड होता है तो यहाँ पे वो कम सेटल्ड होता है, तो उनको ये लगता है कि उनका जो पेंशन का अमाउंट है वो पूरा को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्लीज मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसको जाके देखिए, उसमें मैंने बड़े ही डिटेल में उसको बताया है कि आपकी पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो किस अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं इन शॉर्ट कि EPF आपके जो पेंशन की ड्यूरेशन काउंट करता है वो 6 मंथ के गैप पे करता है, यानी कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ से कम जॉब करी है तो EPFO ये मांग लेता है कि आपके EPS में जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है, क्योंकि वो 6 मंथ जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो EPFO के लिए EPS की कंट्रीब्यूशन 0 मान ली जाती है। लेकिन अगर आप 6 महीने से 1 महीने ज्यादा जॉब कर लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो EPF ये मान लेती है कि आपके EPS में जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 साल की है, तो 6-6 महीने के जो ड्यूरेशन में काउंट किया जाता है। यही रीजन है जिसकी वजह से इस कैलकुलेशन में हमें गैप नजर आता है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप अपने PF को ऑनलाइन फुल एंड फाइनल अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो कितना आपको सेटल्ड होके आपके अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों EPS कंट्रीब्यूशन यानी कि पेंशन की कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि EPFO आपके पेंशन के कंट्रीब्यूशन को उस टाइम कैलकुलेट करता है जिस टाइम आप अपने PF को अप्लाई करते हैं। तो EPF जो है वो ये चेक करता है कि जिस टाइम आपने अपने PF को अप्लाई किया था उस टाइम आपकी जो बेसिक सैलरी है वो क्या थी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका डिपॉजिट वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय शेयर में तो यहां पे जो कंट्रीब्यूशन हो रही है इस पासबुक में वो 1128 रुपए की हो रही है। तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 9400। तो ये देखिए लास्ट कंट्रीब्यूशन जो EPF में हुई है यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर की वो हुई है 1128 रुपए, जो कि बनती है आपकी बेसिक सैलरी 9400 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA मिला के अमाउंट बनता है उसका 12% जो है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और 12% का जो होता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में जो अमाउंट है वो डिवाइड होके एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है। तो ये देखिए अगर मैं 9400 यहाँ पे बेसिक सैलरी का 12% यहाँ पे मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे 1128 रुपए ही बनते हैं जो कि यहाँ पे जमा हो रहे थे। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे 9400 है जब इस PF को अप्लाई किया गया। तो अब यहाँ पे EPFO क्या चेक करती है, सबसे पहला तो ये चेक करती है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या थी जब आपने अपने PF को अप्लाई किया था। मैं आपको पेंशन कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, तो सबसे पहले EPFO ये चेक करती है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी चेक करने के बाद सेकंड स्टेप में वो ये चेक करती है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल तक काम किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 6-6 महीने की ड्यूरेशन पे इसको काउंट किया जाता है, तो यहां पे अगर आप इसको काउंट करना चाहते हैं तो या तो आप अपने पासबुक में यहां पे देखें, यहां पे प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप एक एक करके काउंट कर सकते हैं, या आप अपने UN वाले पोर्टल में जा सकते हैं। UN वाले पोर्टल में जाने के बाद यहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपको यहां पे शो करेगी और इसको आप बड़े ही आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने मंथ या कितने ईयर तक आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप अपने लैपटॉप में एक एज कैलकुलेटर आता है उसको आप यहां पे डाउनलोड कर लें। यहां पे डाउनलोड करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन यहां पे चेक कर सकते हैं। यहां पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो यहां पे आप एंटर करिए यहां पे डेट ऑफ बर्थ में। तो ये देखिए यहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 1/9/2017। तो मैं यहां पे एंटर कर देता हूं 1/9/2017। ये देखिए मैंने 1/9/2017 यहां पे एंटर कर देता हूं। ये देखिए यहां पे एंटर करने के बाद अब यहां पे एंटर करिए आप डेट ऑफ एग्जिट 30/4/2018।
18। तो ये देखिए मैं 30/4/2018 यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, 30/4/2018 ये देखिए मैंने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद नीचे आपको कैलकुलेट का बटन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दे। तो जिस तरीके से आप एज कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर देगा कि क्या एज बनती है। तो ये आपका जो जितने मंथ तक आपने काम किया है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। कई पासबुक बहुत ही लेंथी होते हैं जिसके लिए आप एज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको 7 महीने यहाँ पे 29 दिन यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे शो कर रहा है। तो लेकिन अब मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आप पासबुक में यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आपको 7 महीने की ही शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ईपीएफ है वो पेंशन की कंट्रीब्यूशन आपके 6-6 महीने की ड्यूरेशन पे करता है, तो जैसे ही आप 6 महीने से 1 महीने भी ज्यादा जॉब करते हैं तो उसको 1 साल मान लिया जाता है। अब यहाँ पे ईपीएफ ने ये देखा कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन कंट्रीब्यूशन वो 1 साल की है, क्योंकि आपने 6 महीने से ज्यादा काम किया था, 7 महीने कर लिए। तो इसको ईपीएफ क्या करता है, इसको मान लेता है कि आपने 1 साल की कंट्रीब्यूशन पेंशन कंट्रीब्यूशन करी है। अब इनको ये पता लग गया है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 9400 है और आपने 1 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। अब कंपनी क्या करती है, एक टेबल का यूज करती है जिसका नाम है टेबल डी। ये देखिए यहाँ पे टेबल डी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल डी। इसको मैंने लेटेस्ट डाउनलोड किया है, यहाँ पे अपडेटेड है 23/9/2020 को, ये अपडेटेड टेबल डी है। तो इस फॉर्मूले से वो आपके पेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है 9400 है और क्योंकि आपने जो जॉब की है वो 7 महीने कुछ दिन तक की है तो इसको 1 साल मान लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑफ सर्विस में यहाँ पे 1 साल वाला आप यहाँ पे कॉलम देखेंगे और 1 साल वाले कॉलम के आगे यहाँ पे दिया हुआ है 1.02। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है उसके साथ आप अपनी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया 1.02। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मैं यहाँ इक्वल टू पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए 9588 ये हमारा पेंशन का कंट्रीब्यूशन बन जाता है, 9588। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे पासबुक में आपको क्या कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, 5547 जो कि आपको सिर्फ 7 महीने का ही शो कर रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लेम करते हैं और यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं फॉर्म नंबर 10C जो आपका सेटल हुआ है उसमें जो आपका अमाउंट सेटल हुआ है वो हुआ है 9588। अब मैं आपको अपना कैलकुलेटर दिखाता हूं, ये देखिए 9588 ये सेम अमाउंट ही आपको यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 9588। तो इस तरीके से ईपीएफ जो है आपके पेंशन के कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है और जो आपको अमाउंट क्रेडिट होता है फाइनल सेटलमेंट के बाद उसमें आपको मिसमैच नजर आता है। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने मैंने आपको लाइव करके दिखाया है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 9 साल 6 महीने से कम जॉब करते हैं तो कैसे आप अपने पेंशन के कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप अपने पीएफ को ऑनलाइन विड्रॉ करते हैं उस टाइम। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन आपको पासबुक में शो करता है वो आपका एग्जैक्ट नहीं होता है, आपके पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी टाइम कैलकुलेट किया जाता है ईपीएफओ द्वारा जिस टाइम आप अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करते हैं। तो उसका मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल भी वहां पे आज दिखाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।